खाद तो दो बार पहला रख दियो हमने भी, तो फिर भी जो पानी में थोड़ी घायल कर दी मक्का। पानी खेत में तो रोड़े वो कीचड़ में मतलब नहीं धर सकते। पहला मैंने ऊपर से फेंके तो पत्ता पड़ गया सब, फिर बाद में अपन करियो कालो रोड़े कोई नहीं कि अपन तो घोड़ा घोड़ा दे रहा। नहीं घोड़ा ही रखियो हमने दो बार। घोड़े घोड़ा रखियो फिर काल से। तुम कैलाश लाओ दवा। ये कारीगर तो एक पास बचेगी, एक शीशी है तो उनको जरा सी जाग में मच्चे मच्चे हैं तो वो बचेगी घोड़ो। हाँ। उसे उसे लगे सड़क दे रोड़ी का तो माथा खुल जाएगा। उन लोग कहीं नहीं बचो, सब एक एक मंजिल तक पानी भरा गयो। अरे यो अपने आंतरिक मूल्यांकन है आरटीआरएस के अंतर्गत आवे नहीं वो तमे तो याद है, पण ये अपने नया किसान है आने नहीं याद है। तो अब कहीं फसल बाड़ी में कहीं काम काज चल रही हो? अब तो कहीं, अब तो बारिश ज्यादा होगी, खाद बाद दो बार मिल चुकी है मक्का में, और नुकसान तो सोयाबीन तो जो बिगड़ गई, फिर वो कहे वो पत्ता जल गया। और अब जो फिर कल से फिर हमने घोड़ा घोड़ा मिल लिया उसमें चारों देखो, फिर भी बहुत नुकसान है वो, मतलब पैदावार बिगड़ चुकी। कहीं का सो में से एक दो खेत में है तो उसे कहीं अंतर पड़े। अब अपन फार्म सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन के लिए यहाँ आया, जो वार्षिक अपन बैठक कराओ में मतलब है नहीं, जैसे हर साल की, हर साल के लिए भी 8-10 पन्ना का भी पेज भेजा, उनमें पूरी जानकारी भरा, कतरों पड़े फायदों में, कतरों में नुकसान है, और अपन ने उनका नियमों को पालन करियो कि नहीं करियो, आरटीआरएस का जो भी अपना सिद्धांत है तुम्हें याद है? हाँ तो कर रहे हैं हर साल जैसा, ये अपन हर साल कर रहे हैं वो सही, तो की जानकारी के लिए अपन एकत्रित सहयोग कार्यक्रम कहीं हो मो बताओ। अब मो बताओ यार, मो मालूम नहीं। अच्छा हाँ, तुम नया आया अभी? हाँ नया आया, पटेल भाई जानकारी है? हाँ, मो जानकारी नहीं, मो जानकारी नहीं। सो है कि एम एक सिद्धांत और उनका कुछ नियम हो, उन नियम के अंतर्गत अपन खेती करा। सर्वप्रथम वहाँ से वो 8-10 पन्ने की एक डायरी देवी। हाँ। उन डायरी के अंतर्गत जैसे कि अपन ने बोनी करी। हाँ। बोनी में उनका नियम और को पालन करनो। अच्छा। नियम में पालन जैसे सर्वप्रथम आप बोनी कर रिया। हाँ। बोनी में कितनी बीज की मात्रा डालनी। हाँ। और कितना स्प्रे करना उसमें। हाँ। और स्प्रे में मतलब कुछ सावधानियाँ, कुछ नियम। हाँ। जैसे हाथ में आपने ग्लव्स पहने की नहीं पहने, मुंह पे पट्टी बांधी की नहीं बांधी, मतलब जैसे कि हवा आने के साथ में वो एलर्जी नहीं हो, तो ऐसा कुछ उसका आय व्यय का पूरा ब्यौरा है उसमें, अपना कितनी लागत लगी, कितना खर्च हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद में कितना उत्पादन हुआ। हाँ। ये पूरा उसका ब्यौरा रहता है इसमें। अच्छा। पंडित जी। हाँ। हर साल ही जैसे कार्यक्रम है वो। हाँ। वो अपन हर साल ही कर ही गया नहीं काम, बोनी से लेके कर रहे दवाई छिड़कनो, दवाई मतलब बीज उपचार करना अपने। हाँ। बीज में जो कल्चर मिला हुआ अपन वो सब कार्यक्रम अपने हिसाब से सेटिंग करके चलना पड़े, जैसे नियम है दवाई छिड़कते वगैरह अपने को ध्यान रखना पड़ता है, हवा की तरफ से जो है मुंह करके नहीं छिड़कना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हवा में जो फुहार अपने ऊपर आती है, ऊपर आ जा सही। उसके बाद भी जो है अपन क्या है पट्टी बांध लेते हैं, मुंह पे चश्मा लगा लेते हैं आँख के ऊपर। हाँ। हाथ में मोजे वोजे पहन के सावधानी बरतते हुए अपन उसका स्प्रे। हाँ, करते हैं। करा। हाँ। कम उम्र को बालक है, अब आप उन्हीं से मजदूरी करवा रहे वो गलत है। गलत। जो काम के लायक आदमी है उन्हीं मजदूरी तो अपने देनी पड़े, देनी पड़े। तो उन्हीं आदमी मजदूरी जो काम के लायक है, बालक की जिंदगी को और वर्क करो, उसको पढ़ने लिखने दो, उसका काम करने दो। साहब आप मूल्यांकन कर ले जाएगा, हमारा नफा नुकसान तो सब हो गया। हाँ तो हो गया, सोयाबीन खर गई, अब इसमें आप हमारा क्या करोगे? जैसे कि मूल्यांकन, मूल्यांकन को अर्थ हुए मूल्य को आंकना है कि नहीं। हाँ। जैसे कि यहाँ पे पूरा जिला में अपनी इसी आरटीआरएस मतलब ये फार्म सपोर्ट प्रोग्राम। हाँ। चल रही हो। हाँ। एक ही अंतर्गत। हाँ। सबकी डायरी भरा के जाएगी कंपनी। हाँ। और वहाँ पूरी डिस्कस निकलेगा ओको। हाँ। कि वास्तव में प्रोग्राम से अपने किसान फायदा हो रही हो कि नहीं हो रही हो, नहीं हो रही हो। हाँ। तो एक ही पूरी जानकारी देगा ना, फिर बाद में अपनों को आकलन निकालेगा, ओको मूल्यांकन करेगा कि वास्तव में किसान को फायदा है या नुकसान है। और जगह बाद में कटवाई हिड़वाई डुलवाई नियम और सिद्धांत सारा पूरा अपनाया। हाँ। और मान लो अपने में नुकसान हो रही हो मतलब। हाँ। तो एक ही जानकारी कहीं बहुत सारा किसान नहीं रख पावे। हाँ। जो अपन मतलब कभी भी कहीं को किसान बहुत तो की जानकारी नहीं रख पा, लेकिन एक ही अंतर्गत। हाँ। वो जानकारी आदमी रख ले। हाँ। तो ओके बाद में अपने कोई निष्कर्ष यू निकले बाद में मतलब। हाँ। कि वास्तव में मतलब अपने के खर्चो ज्यादा हो रही हो, आमदनी कम हो रही, तो उन्हीं हिसाब से अपन उन्हीं फसल है। हाँ। करा के अपन उत्पादन ज्यादा होवे। हाँ। और खर्च। हाँ। कम होवे। अणि मूल्यांकन से सभी किसान है यो पतो चल जा। हाँ।
कि वास्तव में आनी जो प्रोग्राम चल रही हो फार्म सपोर्ट प्रोग्राम ऐसे अपना किसानों का कतरो फायदा हो। अच्छा, एक ही जानकारी मिल जाए पूरी, मतलब अपना पूरा को बियारो निकल जाए, अपने को फायदा है। इन्हें एक तो डायरी और उसके बाद जो अपनी जमीन का खसरा नंबर और अपन सभी कागज में ही चावे। जो खसरा नंबर आप ले हो और जो खसरा नंबर से हमारा कॉपी नहीं या कहीं भी माँ की आवजानी कहीं भी कट गई है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? मतलब यह जो है नहीं अपनी जानकारी जो जारी खसरा नंबर है डायरी में जो भी रिकॉर्ड जावे वो अपनी संस्था में जावे। अच्छा। तो संस्था उन्हीं को पास ही रखे ये सब कागज पान जो भी हिसाब किताब है ये कहीं ऐसी गलत जगह नहीं जा ना कोई ऐसे अपने नुकसान हो गए जो सब रिकॉर्ड जो संस्था देख के पास ही रहे और संस्था को सब डिस्कस करके निकाले। हाँ, वही तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वही तो पूछा मैंने जो कहीं की खसरा नकल कहीं की कहीं चल जाए तो हमारा भी कोई कट जाए तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। हाँ। ये केवल संस्था के पास ही रहे और आप जो ये खसरा नंबर दो है डायरी वायरी भरो। हाँ। ये में मतलब या अपने बिल्कुल भी ये ऐसी सोच नहीं रखनी कि यार ये या आगे जाती होगा ऐसे अपनों कोपन कर जाओ या ऐसे सही बात है हम तो जो बात हो तो सही करा ऐसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। हाँ। संस्था में कहीं जो आपका ये जो भरिया जाएगा ही। हाँ। या पूरी जानकारी संस्था में जाएगी उसका माध्यम से भी पूरा आकलन निकाल के आप सही मूल्यांकनों को बताएगा, मतलब की बिल्कुल भी मतलब वह टेंशन वाली बात नहीं है। वही तो। हाँ बट कहें चलो जो कहीं कागज पाना लेना है जी घर है यहाँ खेत पे है अपन चला ले जाइए। हाँ घर होगा सबका सब घर है ठीक है चला अपन घर से ले लेंगे ले ले। चलो फिर चलो कागज पानड़ा सब नहीं तो खेत पे तो अपना बारो काट था। चलो चलो चला मेरे पंडित जी। हाँ चलो बैठो चलो बैठो पटेलवा। हाँ चलो बैठो आप बैठो बैठ पूछ कहीं सब ना हैं दो यार। हाँ लो लो ना पानी पियो। ये फार्म है पंडित जी अपने। अच्छा मैं अपना समूह को नाम राधा देवी। हाँ राधा देवी। हाँ ग्राम गोरखपुरा। हाँ किसान का नाम मांगीलाल। हाँ पिता शंकरलाल। हाँ खसरा नंबर बताओ पंडित जी। खसरा नंबर आप याद होगा नहीं जागने रहे। मैं कहाँ जानू यार किसान है मैं तो। खसरा नंबर पटवारी हल्का नंबर। अच्छा ये तो हल्का नंबर। हाँ आर इंजा रहे खसरा नंबर। हाँ ई है पंडित जी खसरा नंबर। अच्छा हाँ ये सही लिखा जाए 428/2 और ये रख बो 518 यानी कि यह कत्ती हुई 2 बीघा 2 बीस। हाँ रुको तो 428 428/2। हाँ ये में देखो आप। हाँ। मैंने पूरा रिकॉर्ड रख रखे हो। अच्छा। खेती बाड़ी को। हाँ हाँ है। हाँ। ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ। ये आपसे खेती ये ली थी हमने और एक पूरी दवाई का जो है उपयोग है ये कर्बकान ने सब रख रखे दवा का मोजा लग रखे नियम और सिद्धांत लिखा रहे। हाँ तो ये डायरी से हम काम लेते हैं एनरोल और ये खसरा नंबर अपने मतलब खेती है या ये खेती आप मैंने बनाई नहीं है अन्य तरीका से सारी ये खेती को नक्शो बना रखियो खसरा नंबर लिखा हुआ। हाँ ये जो आपने लिख के दी थी ये। हाँ खेत को नाम है। हाँ ये नंबर सही बार रखी। हाँ और इसके बाद में ये देख लो आप। हाँ यार गरीब हुई तुमने खेती गरी है गरी करूँ मुझे जैसे। हाँ हाँ डायरी अब मुझे तो एक ही जानकारी मुहे में मार ली में बोल लू। हाँ डायरी अब मुझे तो एक ही जानकारी मुहे में मार ली में बोल लू। हाँ तो पंडित जी उत्पादक द्वारा खेत का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। हाँ। तो रिकॉर्ड आप रखो कि रिकॉर्ड खेत के रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, रखते हैं हम तो। हाँ, और हम खुद ही करते हैं बच्चे से नहीं करवाते हैं। अच्छा हाँ बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अच्छा अच्छा बाल समय के अंतर्गत आप बच्चे और स्कूल भेजो। हाँ और हम खुद करें खेती तो। अच्छा। हाँ खुद खेती में जाते हैं।
खुद जाते हो खेती में? हाँ। तो सामान मजदूर तुम्हें लगाते ही नहीं हो? नहीं लगाते नहीं, ट्रैक्टर से अक्वाजित वाले हैं हम खुद, मतलब उनको नींदा गोड़ी कभी भी करना है हमें करना है, बच्चे को थोड़ी लगाते हैं। जैसे कि आपको खेती में मजदूर वजदूर की जरूरत पड़ जाए तो आप मजदूर वजदूर लगाते हो? हाँ। तो उनको कैसे क्या? वो जब हमारे फसल में ज्यादा जो सोयाबीन आ जाती है, हाँ। चाहे हम निंदाई गुड़ाई कराते हैं, हाँ। तो हम महिला को भी लगाते हैं, हाँ। और पुरुष को भी लगाते हैं, हाँ। और उनको बराबर पैसे देते हैं, सामान देते हो? हाँ बराबर, एक बराबर देते हैं। जैसे कि दादा कभी अपने इल्ली लग जाए खेत में, हाँ, तो आप दवाई वाई को स्प्रे? दवाई लेते हैं। अच्छा, अच्छा। ला के दवाई छिड़कते हैं, हाँ। और जब पंप दो के साफ करके रखते हैं, हाँ। और जो डिब्बा रहता है, हाँ। उसको हम जमीन में गड्ढा खोद के, हाँ। जमीन में गाड़ देते हैं। ये आपको किसी ने बताया होगा डिब्बो के? हाँ, वो जो हमारे यहाँ है, वो जो काम हमारे यहाँ मतलब हमारा ऊपर रहते हैं, वो आके बताते हैं हमको कि तुम खेती को ऐसे करो, ऐसे दवाई छिड़को और मुंडा बांध लो, हाथ में बस्ता पहन लो, कहे और दवाई जो अगर डिब्बा है तुम्हारे पास, हाँ। तो खेती में गाड़ दो खोद के। अच्छा, खेती में उसको मतलब गड्ढा खोद के डाल देते हैं? गाड़ देते हैं। सर तुमने यह जानकारी दी, हाँ। ये घोषणा पत्र है, हाँ। तो ये तमाम नाम लिख दूं मुझे, हाँ। और ये मैं तुम्हें साइन कर दूं, कर दी बस ठीक करो, हाँ हाँ। ठीक है दादा, आपने अति अच्छी जानकारी दी हमें, हाँ। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है दादा। नहीं नहीं नहीं, अब आप रुको, चाय, हाँ। आ रही, चाय पी के जा जाओ, आप अभी मत जाओ, हाँ। चाय लो, चाय लो साहब, चाय लो, चलो चला जाता पधारो, ज्यादा पधारो ज्यादा।